अलीनगर नाम पर बीजेपी विधायक का तंज। और ये अलीनगर में हम चाहेंगे, देखिए नाम कैसा है अलीनगर। कहा ये कैसा नाम है अलीनगर। और ये अलीनगर में हम चाहेंगे, देखिए नाम कैसा है अलीनगर। यहाँ जय श्री राम का नारा तो बनता है, एक बार जोरदार तो जय श्री राम का नारा बनता है ना? लगाने लगे जय श्री राम का नारा। बीजेपी के विधायक और पूर्व सांसद जनक चमार के बिगड़े बोल देखा आपने, कैसे खुले मंच से दरभंगा के अलीनगर में अलीनगर नाम का मजाक उड़ाते दिखाई दिए बीजेपी विधायक। और ये अलीनगर में हम चाहेंगे, देखिए नाम कैसा है अलीनगर, एक बार जोरदार तो जय श्री राम का नारा बनता है ना? बीजेपी विधायक के बिगड़े बोल पर बिहार में सियासी बयानबाजी तेज है। देखिए इस बयान पर कैसे आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस के प्रवक्ता पलटवार कर रहे हैं। अलीनगर का नाम बदलने की बात कर रहे हैं, अरे नगर तो बसा नहीं पाए, नगर उजाड़ने में तो बीजेपी वाले बहुत आगे रहते हैं। जय श्री राम का नारा लगा कर वोट लेना चाहते हैं, ये धरती जय सिया राम की धरती है और जनता को पता है, ये इसी तरह के मुद्दों को चुनाव में उठाएंगे। जनता पूछ रही है रोजी रोजगार की बात, महंगाई की बात, किसान बदहाल, नौजवान बदहाल, उनका भविष्य बर्बाद, इस पर बात कब करेंगे भारतीय जनता पार्टी के नेता? ये इस तरह की बात करके सिर्फ आपसी भाईचारा खत्म करना चाहते हैं। भाजपा नेताओं की राजनीतिक नीयत और सोच में ही खोट है। ये लोग हमेशा जाति और धर्म के नाम पर उन्मादी भाषा का प्रयोग करते हैं, समाज में तनाव पैदा करने की कोशिश करते हैं ताकि राजनीतिक लाभ लिया जा सके, समाज में द्वेष फैले, यही इनकी प्राथमिकता में शामिल होता है। अलीनगर में भी इनकी भाषा इसी बात की द्योतक है, लेकिन ध्यान रहे यह उत्तर प्रदेश नहीं है, नीतीश कुमार जी का बिहार है। कोई सांप्रदायिक सौहार्द का वातावरण खराब करने की कोशिश करेगा किसी भी कीमत पर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और नाम बदलने के चक्कर में मत रहिए, कहीं ऐसा ना हो कि जनता आपका ही नया नामकरण कर दे। अच्छा, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर कहीं जा रहे हैं तो 8 सालों में मोदी जी ने क्या किया, कौन सा काम केंद्र सरकार ने देश के लिए किया, ये क्यों नहीं कहीं बता रहे हैं? क्योंकि ये बताने के लिए कुछ है ही नहीं, सिर्फ बेच बेच के खाया, अपने पूंजीपति मित्रों के हाथों इस देश को लुटवाया। तो क्या करें, तो अलीनगर, महाबली नगर, कर्नाटक में बजरंग बली ने इनका क्या हश्र किया आपने देखा है ना, पूरे देश में बजरंग बली इनको गदा मार मार के भगाएंगे, इन पापियों को आप देखिएगा। अलीनगर बलीनगर, काम बताओ अगर कुछ किया हो तो, और काम नहीं बताया हो तो माफी मांगो देश से, कहो कि हमने देश से गद्दारी की है। बता दें कि दरभंगा में बीजेपी के सदस्यता कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष समेत कई बड़े नेता मौजूद थे। इसी कार्यक्रम में बोलते हुए जनक चमार अलीनगर पर बिगड़े बोल बोल कर विवादों में आ गए। बता दें कि कर्नाटक चुनाव हारने के बाद बीजेपी सत्ते में है और बिहार समेत अन्य राज्यों में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए इस तरह की बयानबाजी को बीजेपी नेता बढ़ावा दे रहे हैं। दरभंगा से संवाददाता प्रहलाद कुमार की रिपोर्ट आप देख रहे थे।